आज भी सिहरन पैदा करती है गैस त्रासदी की वह रात। समय बीत गया किंतु दर्द अभी भी जिंदा है। भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई तो हजारों हंसते खेलते परिवार अपने आप ही सोते रह गए और उन्होंने इस खूबसूरत दुनिया को अलविदा कह दिया। हजारों लोगों का दर्द आज भी जिंदा है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस वक्त हम हैं राजधानी के डीआईजी बंगले पे, जहां पर सभी महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, गैस त्रासदी में इंसाफ को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ रचना ढींगरा जी मौजूद हैं। क्या भोपाल गैस हादसे के 37 साल बाद आज हम देखते हैं कि दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार ना तो गैस पीड़ितों को इंसाफ दिला पाई है, ना ही इज्जत की ज़िंदगी मुहैया करा पाई है। और ये हालात 37 साल बाद भी वैसे के वैसे हैं। 37 साल में लगभग कुछ बदला नहीं है और हादसा लोगों के लिए आज भी अलग अलग तरीके से जारी है। आज हम ये देखते हैं कि ना तो गैस पीड़ितों को सही मुआवजा मिला है और ना ही इतने बड़े कत्लेआम और नरसंहार करने के लिए एक अधिकारी और एक कंपनी को एक मिनट की भी सज़ा नहीं हुई है। दूसरी तरफ जिस तरह से हाल गैस हादसे के अगले दिन का था कि लोगों को पता नहीं था कि उनका इलाज कैसा होगा, कि इसके वो कैसे उभरेंगे, आज भी हालात वैसे ही हैं। आज तक पता नहीं है कि गैस पीड़ितों का सही इलाज कैसे किया जाए। आज तक ये मालूम नहीं है कि गैस पीड़ितों के अंदर जो तकलीफ़ें हो रही हैं, चाहे वो श्वसन तंत्र की हैं, चाहे वो तंत्रिका तंत्र की हैं, या रोग प्रतिरोधक क्षमता की हैं, वो कैसे ठीक होंगी। और दूसरा हम देखते हैं कि यूनियन कार्बाइड के आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर यूनियन कार्बाइड ने जहरीले रसायन डाले थे, जिसकी वजह से आज 3 किलोमीटर की दूरी तक भूजल प्रदूषित हुआ है, ऐसे रसायनों से प्रदूषित हुआ है जिससे बच्चों के अंदर जन्मजात विकृति पैदा होती है, ऐसे रसायन जिन्हें प्रसिस्टेंट ऑर्गेनिक म्यूटेंट्स बोलते हैं, जिनकी विषक्तता 100 सालों तक रहती है। और इसके भी सरकारी एवं वैज्ञानिक सबूत हैं कि गैस पीड़ितों को जन्मे बच्चों में जन्मजात विकृतियों का दर कई गुना ज़्यादा है और गैस पीड़ितों के जन्मे बच्चों में बढ़त की कमी है। इसके वैज्ञानिक सबूत होने के बावजूद सरकार ने आज तक इन लोगों के लिए ना तो सही मुआवजा मांगा है और ना ही इनको कोई रोजगार का साधन प्रदान किया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार तो गैस पीड़ितों के साथ इतना झूठ बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में वो उनके आधिकारिक आंकड़े हैं कि 15,342 लोग गैस की वजह से खत्म हुए हैं, पर जब सुप्रीम कोर्ट में मुआवजे की याचिका। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।